हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल क्या होता है? देखो, आर्टिकल ऐसे तो अपन सामान्य रूप से सभी पढ़ते हैं, ए एंड द एंड जीरो आर्टिकल ये होते हैं। लेकिन अपन ज्यादा डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। वह एक इंटेलिजेंट गर्ल है। अब देखो, यहाँ पर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, अब यहाँ पे वेरी, अब वेरी से पहले यहाँ पे आर्टिकल यूज किया ए। अब देखो, आर्टिकल अपन यूज कर रहे हैं ए एंड द, तीनों आर्टिकल में पढ़ेंगे, अभी जीरो आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। तो सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यानी वह एक बहुत होशियार लड़की है। अब देखो, यहाँ पे आर्टिकल द भी यूज कर सकते हैं, ए भी यूज कर सकते हैं, एन भी यूज कर सकते हैं। मैंने यू ए यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जब एक पर्टिकुलर एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो वेरी उसी को बता रहे हैं, तो यहाँ पे ए एन में से यूज होगा। अब देखो, ए का प्रयोग कहाँ पे होगा, एक एन का प्रयोग कहाँ पे होगा? जब ए आई ओ यू आ जाए, तो उससे पहले तो उसकी ध्वनि आ जाए ए आई ओ यू, तो उससे पहले तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, एन का। ए आई ओ यू, ए आई ओ और यू, इससे पहले एन का, और बाकी कॉन्सोनेंट के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, ए का। तो यहाँ पर बी बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे यूज क्या किया अपने, ए की है ना। तो इसी प्रकार देखिए, सी इज द वेरी बेस्ट। अब देखो, यहाँ पर वेरी आ गया, और वेरी से पहले द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल लिखते हैं। किसका आप यूज करते हैं आर्टिकल में, द का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से वेरी, वेरी से पहले किसका, ए एन द, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार देखो, आर्टिकल सच ए गर्ल, यानी ऐसी एक लड़की। देखो, जब सच आ जाए, सच सच व्हाट हाफ ये आ जाए, अनादर आ जाए, इनसे पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं आर्टिकल में। देखो, सच ए गर्ल, ऐसी एक लड़की। अब गर्ल जी जी की क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर यूज क्या किया है, ए यूज किया है, न कि एन। एन कब करते हैं, जब यहाँ पे ए आई ओ यू की ध्वनि हमें मिलती, तो यहाँ पर किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। यानी आपको याद रखना है, सच व्हाट मैनी हाफ रादर और व्हाट क्वाइट, ये हमेशा क्या लेते हैं, ए और एन का प्रयोग लेते हैं, हमेशा द का प्रयोग इनके साथ में नहीं करते हैं। तो आपको ये नियम याद रखना है, सच के साथ में ए और एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन एन का प्रयोग ए आई ओ यू के साथ में करेंगे, और बाकी के साथ में ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार गर्ल जी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे इसलिए ए का प्रयोग किया है। व्हाट ए फूल, अब देखो मूर्ख, अब मूर्ख ऐप मूर्ख है ना, तो मूर्ख में ऐप क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए फूल फू है ना, तो ए यूज किया है यहाँ पे, व्हाट ए फूल, क्या तुम एक मूर्ख हो। अब देखो मैनी एन इन पॉप, इन पॉप, अब देखो यहाँ पे ई की ध्वनि भूल रही है, ई की वोवेल साउंड यूज हो रहा है, तो इसलिए आपने यहाँ पे यूज क्या किया है, एन यूज किया है, क्या यूज किया है, एन यूज किया है। इसी प्रकार देखो, हाफ एंड किलो, आधा किलो, अब की ई की ध्वनि बोल रही है, इसलिए ए यूज किया है। राधर, ए एन में से क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि आइडिया आई की ध्वनि बोल रही है। व्हाट ए बो बिग फुल, बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए आपने यहाँ क्या यूज किया है, ए यूज किया है। क्वाइट अन, अब ए आ गया, एम ए ए आ बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे एन यूज किया है। राधर में एन यूज किया, क्योंकि इन इनकी ध्वनि बोल रही है, इंटरेस्टिंग, इन सुर में आ रहा है ई, है ना, ई की ध्वनि, इसलिए एन यूज किया है यहाँ पे। आल द, अब तो यहाँ पे, अब द के बारे में बात कर रहे हैं, जब पूरी कम्युनिटी को बताए, पूरी कम्युनिटी को बताए, तो उसमें किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो आल द बॉयज, तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, द का। तो आल ए बॉय नहीं होगा, ए एन बॉय नहीं होगा, आल द, तो ऐसे आपको क्या बनना है, द। इसी प्रकार आल बॉयज, अब तो इसमें इतना अंतर है, ये तो बच्चों को कम्युनिटी बता रहा है, लेकिन ये आल बॉयज, ये स्कूल की क्लास को बता रहा है, ये स्कूल क्लास को बता रहा है, और ये सभी बच्चों को बता रहा है, तो आल बॉयज अंतर है ना। इसी प्रकार आल द फेमस सिंगर, सभी आल, आल के साथ में से किसका प्रयोग करेंगे अपन, द का यूज करेंगे, है ना। जस्ट, जस्ट के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जस्ट के साथ में द का प्रयोग। डबल, डबल के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, द, राइट अमाउंट, डबल के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग। हाउ, अब तो एक वर्ड और आता है, मैंने बताया नहीं आपको, हाउ आ जाए, उसके साथ में अपन ए और एन का यूज, आर्टिकल यूज करते हैं,
हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल, ये यूज करेंगे, एन यू नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसी प्रकार देखिए, देवन देवन बाबू इज ए टू वीक, इतना कमजोर है एक आदमी है, यहाँ पर एन और एन क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए ए का यूज किया है ना। अब देखो यहाँ पे ऑनेस्टी एच आ रहा है, इसलिए किसका यूज कर रहे हैं, एन का। इस प्रकार एमएलए आ जाए, एमएलए ए क्या उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन यूज किया। इसी प्रकार एनसीसी, एन अब एक बोल रहा है, इसलिए एन आ जाएगा इस यहाँ पर भी। इसी प्रकार देखिए अम्ब्रेला, ए की ध्वनि बोल रही थी, एन आ जाएगा। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ए की ध्वनि बोल रही, इसलिए एन आ गया। वुडन, अब देखो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इससे पहले किसका प्रयोग किया गया, किया है अपने ए का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। अब देखो द वुडन टेबल नहीं हो सकता है, क्यों द वुडन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक लकड़ी की टेबल को बता रहा है, पूरी लकड़ी को टेबल को चेयर, मतलब पूरी समूह के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक लकड़ी की टेबल के बारे में बात हो रही है। इसी प्रकार ए टीम ऑफ, एक टीम के बारे में बात हो रही है, ए आ गया। इसी प्रकार एक गैंग ऑफ, एक गैंग के बारे में बात हो रही है, ए आ गया। एन आर्मी, अब देखो आर्मी में ए आ गया, शुरू में एक ही उच्चारण, कॉन्सोनेंट आने बाद स्वर आने पर किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। इसी प्रकार ए ग्रेट डील ऑफ, ए आ गया, जी कॉन्सोनेंट है, ए जी क्या है, ए मैनेजर, ए ग्रेट मैनेजर ऑफ, ये किसी समूह को बता रहा है, तो ए यूज ही हुआ है। तो इसी प्रकार अपन आर्टिकल के यूज किए हैं ए एन, और इसके बाद हम और लेंगे एग्जाम्पल। इसी प्रकार प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो। ओके, थैंक यू।